नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ के अलजेब्रा का पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लॉजिकली और जनरली एग्जाम में आते रहते हैं। बच्चे कई बार ही आप लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो जनरल टर्म है वो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी पर बेस में कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस लूंगा जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में एपी के फर्स्ट पार्ट के मैं आपको जनरल टर्म क्या होती है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, कुछ बेसिक्स आपको बताए थे। आज मैं आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस जो जनरल टर्म पर बेस्ड हैं उनके बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जनरली ये आ जाता है, इफ एमएथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड एनएथ टर्म ऑफ this that AP is 1/m, show that its MAM nth term is 0. तो always इस question को start करने के लिए हम suppose से start करेंगे, let A be first term and D be common difference of an AP। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस लाइन का लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि A और D भले ही बहुत जनरली यूज की जाती हैं, लेकिन A और D को हमें दिखाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग mth टर्म ऑफ दैट AP इज 1/n, बिकॉज mth टर्म इज 1/n, means a plus m minus 1 into d is equal to 1/n, then its nth term is 1/n, means a plus n minus 1 into d is equal to 1/n। अब आप इसे इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, कंडीशन नंबर 1, इसे कंडीशन नंबर 2। चैप्टर 3 जो आपके सिलेबस में है लीनियर इक्वेशन का, उसके एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। साइन चेंज करने की आपको जरूरत होगी, ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू एम एन एलसीएम लेंगे, जैसे आपको पता ही होगा एम माइनस एन, एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/mn। ध्यान दो फिर दोबारा से, बहुत इजीली आपको क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। mth term 1/n है, means a plus m minus 1 into d is 1/n, nth term 1/m है, means a plus n minus 1 into d is 1/m, elimination method से solve कर रहे हैं हम, तो m minus 1 minus m minus n plus 1 into d is equal to 1/n minus 1/m, तो d की value आ गई हमारी 1/m है। अगर मैं d की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, अगर मैं d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, तो देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी इज 1/mn, 1/mn इज इक्वल टू 1/n। By solving it, a plus 1/n means m into 1/mn means 1/n minus 1/mn is equal to 1/n. 1/n, 1/n cancel हो जाएगा, means a की value फिर दोबारा से क्या आ जाएगी 1/mn। और अगर किसी AP में हमें a और d की value पहले से आ जाए तो फिर हम उसको तो शो करना है हमें एम एन एथ टर्म इज जीरो। आप समझ गए होंगे मैं इसे रब कर रहा हूं, तो हमें शो कर क्या करना है एम एन एथ टर्म,
एम एनथ टर्म निकालने के लिए एन का जो वैल्यू है वो एम एन के इक्वल है। ये होगा हमारा ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इज एम एन, ए द वैल्यू ऑफ ए इज वन बाई एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी इज ऑल्सो वन बाई एम एन। बाई सोल्विंग इट वन बाई एम एन प्लस एम एन बाई एम एन माइनस वन बाई एम एन, वन बाई एम एन वन बाई एम एन कैंसल, दिस विल बी वन। तो एम एथ टर्म इज वन बाई एन, और सॉरी ये वन ही प्रूव करना है। एम एथ टर्म इज वन बाई एन, एन एथ टर्म इज वन बाई एन, शो दैट इट्स एम एन एथ टर्म इज वन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं, आपने समझा होगा। अब इसी तरीके से सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आप चेक करिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा जनरली जो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, पी एच टर्म इज क्यू एंड क्यू एच टर्म इज पी, प्रूव दैट एन एच टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस एन। इसे सॉल्व करने के लिए सेम तरीका, क्वेश्चन नंबर टू में इट्स पी एच टर्म इज क्यू, स्टार्ट वहीं से करेंगे। लेट ए बी फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट ए पी बाय द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पी एच टर्म इज क्यू। मीन्स पहले केस के अकॉर्डिंग पी एच टर्म इज क्यू, मीन्स ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम दिस कंडीशन। एंड क्यू एच टर्म इज पी, मीन्स ए केस फर्स्ट है, अब ये केस सेकेंड, केस सेकेंड या कंडीशन सेकेंड, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। पी एच टर्म इज क्यू, मीन्स ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। क्यू एच टर्म इज पी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज पी। बाय सॉल्विंग इट इन एलिमिनेशन मेथड, साइन चेंज किया हमने, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, फिर वही पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, और पी माइनस क्यू इंटू डी माइनस कॉमन ले लेंगे हम यहां पर, तो ये अगेन पी माइनस क्यू हो जाएगा, मीन्स डी की जो वैल्यू है वो माइनस वन के इक्वल आ जाएगी। डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, पहले की क्वेश्चन की तरह ही सिमिलरली ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू, और ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप, ये माइनस पी प्लस वन हो जाएगा, ट्रांसफर जब हम करेंगे तो p प्लस का हो जाएगा, q ऑलरेडी प्लस का है, और प्लस वन इधर जाके माइनस वन हो जाएगा। a और d दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, d की वैल्यू माइनस वन और a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन। इजीली आप करिए इसे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा लॉजिक का ध्यान रखना है आपको। अब हमें प्रूव क्या करना है, nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस एन, nth टर्म मीन्स हमें एनएथ टर्म निकालना है, और वो एनएथ टर्म हमारा क्या आना चाहिए, पी प्लस क्यू माइनस एन। एनएथ टर्म के लिए जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू हमारी आई है क्या, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमारा क्या आया था माइनस वन। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन प्लस वन, मीन्स प्लस वन से माइनस वन कैंसल हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू माइनस एन, हेंस प्रूव। फिर दोबारा से देख लो, पी एच टर्म क्यू है, मीन्स ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज पी,
इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, माइनस कॉमन लिया, डी की वैल्यू माइनस वन, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट की, ए की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन। अब हमें एनथ टर्म निकालनी है, एनथ टर्म का वही जनरल टर्म से फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए ए की वैल्यू है पी प्लस क्यू माइनस वन, हमने सॉल्व किया और हमारा ये आ गया और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से एपी के इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन करने हैं जब, तो बहुत इजीली और लॉजिकल टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करें, अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी, जो बिल्कुल लगभग ऐसा ही है, आप ध्यान दो जरा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एम टाइम्स द एम एथ टर्म इज इक्वल टू द एन टाइम्स द एनथ टर्म ऑफ एन एपी, शो दैट एम प्लस एनथ टर्म इज जीरो। स्टार्ट वहीं से करेंगे फिर दोबारा से, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एम टाइम्स ऑफ एम एथ टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ nth term, m times of mth term means m into am is equal to n times of nth term, n into am। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली स्टार्ट जब भी क्वेश्चन आंसर करना होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना होता है। देखिए, m into mth term means a plus m minus 1 into d is equal to n a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दोनों की जनरल टर्म ओपन कर दिया हमने, ए एम मीन्स ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए एम इंटू ए प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन डी माइनस, इजीली आप समझ रहे होंगे, डी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको फिर मल्टीप्लाई करो, मीन्स ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू ए एन प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल काम किया है हमने, एम से मल्टीप्लाई किया होल ब्रैकेट को, ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा सिमिलर टर्म्स को, ये होगा ए एम माइनस ए एन, इसको ट्रांसफर किया है, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू जीरो। सिंपल है, दोनों में से ए कॉमन लेंगे, एम माइनस एन, जनरली कॉमन ले रहा हूं सिंपली में, यहां पर मैं डी कॉमन लूंगा, ये बचेगा हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहां से मैं माइनस डी कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा एम माइनस एन। यहां पर आप सोच रहे होंगे मैंने माइनस डी क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहां पर हमारा एम माइनस एन है, यहां पर भी m माइनस एन आ जाएगा और यहां पर भी हमारा m माइनस एन आ जाएगा। अब अगर इन तीनों टर्म्स में से मैं m माइनस एन कॉमन लू तो यहां पर बचेगा a प्लस डी m प्लस एन, अंडरस्टैंड करिए, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मीन्स m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, m माइनस एन इज कॉमन, माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को मैं यहां पर रख रहा हूं, एम माइनस एन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स जीरो ही हो जाएगा, मीन्स यहां के बाद में हमारा जो वैल्यू बचा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दो, इन दोनों में से मैंने डी कॉमन ले लिया है यहां से, तो m प्लस एन माइनस वन। अगर आप इस टर्म को, इसकी जनरल टर्म को ध्यान से देखें तो ये होगा a प्लस एन माइनस वन, एन हेयर इज m प्लस एन,
means we can say a m plus n is equal to g. तो मैंने ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने लिए जो जनरली एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन्हें फॉलो करके इजीली आप बहुत एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं सोल्व। और इस तरीके से मैं आगे भी वीडियो में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स डालता रहूंगा। अगर आपको ठीक समझ आए तो आप इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी भी टाइप के आपके पास में इंक्वायरी है, क्वेरी है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन का व्यूज आप देखना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखी हुई आईडी पर मेल करें। थैंक यू वेरी मच।